और वही कानपुर देहात पहुंचे हैं प्रसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव। जी हां, शिवपाल यादव का बयान भी सामने आया, सरकार बनी तो प्रदेश की जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, हर परिवार के एक लड़के और लड़कियों को सरकारी नौकरी देंगे, गठबंधन के बाद जोर लगा देंगे बीजेपी को हराने में। जी हां, आप देख पा रहे हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव जो है वो आज कानपुर देहात में थे और यात्रा उनके द्वारा किया जा रहा है, जहां पर लगातार हर एक क्षेत्र हर एक जिले में जाकर लोगों से रूबरू हो रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत भी किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से फूल मालाओं के साथ बुके उनको सौंपा जा रहा है। और उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया है कि सरकार अगर बनेगी तो जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। देखिए, हमने किसी को पीछे छोड़ा नहीं, न छोड़ेंगे। अब ये तो समय बताएगा, आपको जल्दी पता चल, आपको पता चल जाएगा जो भी साथ होंगे। तो जब चुनाव की शुरुआत होती है तभी ये सब चीज़ें आती हैं तो आपके सामने आ जाए। अभी आप ही देख रहे होंगे सड़क पर कितने काम हो रहे, गड्ढे सड़क पर हो गए, पुल कितने बने हैं, जो वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया है। वादे याद हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, किसी का भी विश्वास नहीं ले पाई। पूर्वांचल एक्सप्रेस तो सरकार ने बनवाया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी 60% जमीन तो पहले वाली सरकार ही के उसमें हो चुकी थी। जब सरकार में होंगे पहले तो 300 यूनिट फ्री 24 घंटे बिजली और इसके साथ साथ हर परिवार में एक बेटे और बेटी को नौकरी, ये तो पक्का।